जय साथियों, सिर्फ दो रुपया ले लिया लोगों की जान, 132 लोगों की जान सिर्फ 2 रुपया ले लिया। मोरबी पुल जो गुजरात का था, मच्छी नदी पर बना हुआ था, इस पर जो है 4 दिन पहले एक दुर्घटना घटी जिसमें लगभग 132 लोगों की जान चली गई। इन सभी चीज़ों को आइए हम विस्तार से जानते हैं, आखिरकार क्या मैटर था। यह लगभग 600 साल हो गए लगभग इसको बने, अंग्रेज़ के ज़माने की यह जो है पुल बना हुआ था और आज तक चल रहा था। आज से लगभग 3 साल पहले यह पुल जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, इसके मरम्मत के लिए इसको जो है इस पर पर्यटक का आना जाना रोक दिया गया था। लोगों का आवाजा जो गमन है वह रुक गया था। उसके बाद से ओरेवा कंपनी ने इसको अपने जिम्मे लिया। लेने के बाद से लगभग इस पर 2 करोड़ लागत से फिर इसको जो है मजबूत किया गया। मजबूत करने के बाद अभी 4 दिन पहले जो है इसको ओपन किया गया था। कंपनी ने जो लिया है उसको जो निर्धारित इसका किया गया था कि कितना कितना आप टिकट किसके ऊपर लगाएंगे। इसमें हमारे पास एक डाटा भी है और आपको मोबाइल के बगल में दिख भी रहा होगा। इसमें गुजराती में लिखा हुआ है डाटा जो इस कंपनी को रेवा को दिया गया था। यह 15 साल का एग्रीमेंट था जो 2022 से 2037 तक था और इसमें जो है 2-2 साल पर 2-2 रुपये बढ़ाने थे, लेकिन कमाई के लिए इस चीज़ को ध्यान में न रखते हुए वसूली का व्यवस्था कर करके और कंपनी ने इस पर जो है 2 रुपया पहले से ही बढ़ा दिया। इस समय जो है 2022 और 2023 में इसका निर्धारित किया गया था जो टिकट था बच्चों के लिए 10 रुपये और जो बड़े थे वयस्क थे उनके लिए 15 रुपये थे, लेकिन इसके जगह पर इसके विपरीत हो गया। अभी जो 4 साल बाद लेने वाला जो टिकट का जो दाम था उसे 4 साल पहले लिया जाने लगा। तो यहीं पर देखा जा सकता है कहीं न कहीं कंपनी ने कमाई के लिए अपनी जो कमाई है सोर्स इनकम जो है उसको बढ़ाने के लिए यह शुरुआत से ही गलत करना शुरू कर दिया और लोगों के जान का परवाह नहीं करते जो है लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। और आज मुसीबत ऐसी है कि इस गलत कदम की वजह से कई लोगों ने अपने बेटों को, बाप को, माँ को, भाई को, बहन को खो दिया। ये पर्चा आप देख रहे होंगे साइड में जिसमें दिखाया गया है पहले 2022 और 23 में वयस्क का जो है 15 रुपया है और बच्चों का 10 रुपया है। इसे जो है 2-2 साल पर 2-2 रुपये बढ़ाने थे और ये 2037 तक इसका लास्ट जो है वह 25 रुपया और हिंदी में लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, अधिकतम जो है 15 रुपये तक बच्चों का जो है 15 रुपये तक अधिकतम और जो विद्यार्थी हैं टूरिस्ट पर आते हैं उनके लिए 5 रुपये निर्धारित किया गया था। मोबाइल में इसमें जो है बहुत सही दिखाई नहीं दे रहा है और इसका पिक्चर जो है बहुत अच्छा नहीं मिल पाया है। तो कंपनी ने कमाई के मकसद से इस चीज़ को जो है जो 2 साल पहले 4 साल बंद करना था उसने 4 साल पहले करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ पर यह हादसा हो गया। ये तो एक बात है और बात दूसरा नंबर ये है कि इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया गया था। यदि इसको जो है पहले से एक निर्धारित किया गया होता कि इतने लोगों का लिमिट है तो इतने लोग ही जाएंगे, उससे अधिक नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी ने पूरी तरह से कमाने के लिए पैसे के लिए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं किया और जहां पर 100 से 150 लोगों की लिमिट थी, क्षमता थी, वहां पर लगभग 500 लोगों को एक साथ एक समय पर आने जाने का जो टिकट है सेल कर दिया। इस बात का उससे जो है जानकारी होना चाहिए कंपनी को,
वहाँ के जो सिक्योरिटी हैं, वहाँ पर जो भी उसके कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो है 100 के ऊपर जो है टिकट बिक चुके हैं, तो उसके आगे जो है टिकट को बंद कर देना चाहिए या कुछ समय के बाद निर्धारित करना चाहिए। एक समय सीमा होनी चाहिए जिसका इतना समय तक आप रह सकते हैं, उसके बाद से आप वहाँ से हट सकते हैं। ये तमाम जो है चीज़ें मिस्टेक हुई हैं, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है। तो जिम्मेदारी देने वाला और जिम्मेदारी लेने वाला, इसमें दोनों गुनहगार हैं। चूँकि जिम्मेदारी जिस दिन आपने दिया, उस दिन इस चीज़ को आपने पुख्ता से जान नहीं किया कि आखिरकार कितना इसमें परिपक्वता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच नहीं किया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक प्रशासन का जो है व्यवस्था होना चाहिए था, जो भीड़ को कंट्रोल करता। अभी इस वीडियो में देखिए किस तरह से जो है उस पर कितने लोग जो है भीड़ पर जमे हुए हैं, एक साथ जो है कितने लोग यहाँ पर जमे हुए हैं देख पा रहे हैं इस वीडियो में। और वहाँ पर जाने के बाद इस पर लोग झूम रहे हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ज़रा सा भी उन्हें इस बात का भनक नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। और यह अभी 3 दिन केवल चला था, 3 दिन के बाद जो है 4th दिन यह जो हादसा हो गया। तो इसमें जो है कंपनी के ऊपर हला इस समय जांच बैठा दी गई है, और जांच में यह मिला है कि कंपनी ने पैसा जो है धोखाधड़ी से कमाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है 132 लोगों की जान चली गई। इन तमाम चीज़ों को एक पहली की तरह समझने की कोशिश करिए, और आप भी ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के बाद से आप क्या सोचते हैं वीडियो में ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।